100 साल पुराना पेड़। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलो आज आपको बहुत पुराना पेड़ दिखाते हैं। हम आए हैं नौनावा दरगाह में और ये भाई साहब हमको घुमाने लाए हैं, तो चलो इन्हीं के साथ घूमते हैं। भाई आपका नाम क्या है? रंजीत के ब्लॉग्स 43। रंजीत के ब्लॉग इनको जानते होंगे, कभी एक बार कॉमेडी साथ में बनाए थे, कॉमेडी वीडियो। और ये भी है हमारे साथ भाई। भाई आपका नाम क्या है? नमन शुक्ला है। इनको आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो चलो हम आपको पीपल का पेड़ दिखाते हैं जो कि बहुत साल पुराना है। चलो उसके बारे में कुछ बताएंगे और दिखाएंगे। बस पहुँचने वाले हैं, देख सकते हो इधर खेत पूरा कट गया, धान था और अभी लेट हो गया, वरना अभी गेहूं बो जाता है इधर। इस साल बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि पार्टी हो रही है, पपड़ी लिए हैं भाई साहब, तो चलो खाएं और मज़े करते हैं। ये करीब 2 से 3 विश्व में फैला हुआ है पेड़, देख सकते हो कितना दूर तक इसका तना, और इधर भी देख सकते हो बहुत दूर तक फैला हुआ है, करीब 2 से 3 विश्व में। गांव के भाषा में बता रहा हूँ, एक व्यक्ति से पूछा, वही बताएं मेरे को, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप देखो, तो चलो इसको पास से आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो इसका जो होता तना कितना ज़्यादा फैला है, अंदर तक गया, और इधर देख सकते हो कितना ज़्यादा। ये देखो, ये रहा पीपल का पेड़ जो आपको दिखाना चाहता था। ये करीब 100 से 150 साल पुराना पेड़ जो बाबा बल्लभ दास ने लगाया था, और माना जाता है कि यहाँ पे जो कोई भी आता है और अपना मन्नत मानता है वो पूरा होता है। कुछ दिन पहले आपको मैं बाबा बल्लभ दास का मंदिर दिखाया था, और आज फिर मौका मिला तो मैं सोचा चलो जो बाबा बल्लभ दास ने पेड़ लगाया था तो चलो उसको भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो आपको ये पेड़ कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अभी इसके बारे में कुछ राज हैं जो कि आपको पूरा वीडियो देखने से पता चल जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। 2 से 3 विश्वा में फैला हुआ है ये पेड़ जो कि गांव वालों को बहुत छाया देता है, और गांव वाले यहां पे एंजॉय करते हैं, और यहां पे लोग कहते हैं जो मन्नत आप मांगते हो वो पूरा होएगा 100%। तो आपको दिखाते हैं पुखरा, यहाँ पर देख सकते हो पोखरा के अंदर कुछ बतख लोग नहा रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। और आप यहाँ पे आओगे तो हमेशा आपको ये बतख देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत प्यारा लगता है और बहुत अनोखा लगता है। इनकी भी एक लाइफ होती है, देख सकते हो फुल्ली एंजॉय। वाह, देखो आप सब लोग ऐसे ना हो। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। अभी हम सब लोग जा रहे हैं और अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।